नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के परिहारपुर गांव के तालाब में अज्ञात 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि जब सुबह गांव के लोग शिव शक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो लोगों की नजर तालाब में तैरते हुए लाश पर पड़ी। लाश मिलने की खबर देखते ही देखते आसपास के इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। वहीं तालाब से लाश मिलने की खबर स्थानीय लोगों के द्वारा राजनगर थाने को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं पुलिस तालाब में तैरते हुए लाश को तालाब से बाहर निकालने में लग गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई है, जिसे हटाते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि अज्ञात शव को देखने से प्रतीत होता है कि युवक की हत्या अज्ञात जगह कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। वहीं शव के मिलने से पूरे इलाके में अटकल का बाजार गर्म है। पुलिस मशक्कत करने के बाद तालाब से शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद अज्ञात लाश को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के संबंध में राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को पहचान के लिए 72 घंटों के लिए शवदाह गृह में रखा जाएगा। अगर शव की पहचान होती है तो मृतक के परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। अगर शव की पहचान नहीं हुई तो पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगे की कानूनी प्रक्रिया कर मृतक युवक की पहचान करने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।